हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की ये क्लास है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट वन चल रही है हमारी, और यूनिट वन में हम एक टॉपिक यानी कि एल्कोहल अपना कम्प्लीट कर चुके हैं। अब बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल। क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिखकर बताती हूँ। इथाइलीन ग्लाइकोल क्या होता है? ये होता है हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल। वैसे तो ये टॉपिक जो है अल्कोहल का ही एक पार्ट है। याद कीजिए, ये जो पार्ट है ये कौन से अल्कोहल का पार्ट है? जब हमने इसमें अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन किया था, तो OH ग्रुप के बेसिस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन तीन पार्ट्स में किया था। फर्स्ट पार्ट था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये जो पार्ट है बेटा, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल का पार्ट है, जिसमें हमारे दो OH ग्रुप जुड़े होते हैं। ये हमारा पार्ट है डाईहाइड्रिक अल्कोहल का। तो ये किसका पार्ट कहा जा सकता है? ये इसको आप अल्कोहल का पार्ट बोल सकते हो, कि ये अल्कोहल का ही क्या है, एक पार्ट है। इथाइलीन ग्लाइकोल के बारे में अगर डिस्कस करें, तो इथाइलीन ग्लाइकोल क्या होता है? वो जिसमें दो OH ग्रुप जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही, इथाइलीन ग्लाइकोल जो होता है डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है। डाईहाइड्रोक्सी क्यों बोला, क्या बताया अभी मैंने? डाईहाइड्रोक्सी क्यों बोला इसको? डाईहाइड्रोक्सी इसको इसलिए बोला है क्योंकि बेटा इसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आए हैं। डाई किसके लिए लगाया है? टू के लिए लगाया है। वन ग्रुप ये है, सेकंड ग्रुप ये है, तो डाईहाइड्रोक्सी किस लिए लगाया है? इसलिए लगाया गया है इसमें। लेकिन ये जो हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, अलग अलग एटम पर प्रेजेंट है या नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ से। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इस वाले एटम के साथ अटैच है, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप इस वाले एटम के साथ अटैच है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है जिसमें दोनों OH ग्रुप अलग अलग एटम के साथ अटैच्ड होते हैं। अब इसमें OH ग्रुप के बेसिस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हुए वो? अल्फा, बीटा, गामा। किसके बेसिस पर? OH ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पर। वो कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर OH ग्रुप इस तरीके से लिख ले इसको, यहां पर आ गया OH, यहां पर आ गया OH। अगर OH ग्रुप 1, 2, 3 वन और टू पोजीशन पर प्रेजेंट हो, कैसे काउंट करोगे? कहां से काउंट करते हैं हम? काउंटिंग चेन की, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता है। तो काउंटिंग कहां से होगी? इधर से होगी, 1, 2, 3। अगर हमारे OH ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पर हो, तो हमारा ग्लाइकोल कौन सा होता है? अल्फा ग्लाइकोल होता है। कौन सा होता है? अल्फा ग्लाइकोल होता है। वहीं अगर हमारा OH ग्रुप कहां दे दिया जाए, OH ग्रुप हमारा कहां दे दिया जाए, बताइए इसमें, CH3, CH2, CH2, CH3, ये ले लिया हमने एग्जाम्पल। अगर हमारा OH ग्रुप 1/3 पोजीशन पर प्रेजेंट हो, कौन सी पोजीशन पर बेटा? 1/3। वन पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन सेकंड ये, और थर्ड पोजीशन ये हो गई। अगर 1/3 पोजीशन पर प्रेजेंट हो, तो बीटा होता है। क्या होता है? बीटा होता है। और अगर 1/4 पोजीशन पर हमारा क्या हो, 1/4 पोजीशन पर यहां ना देकर अगर 4th पोजीशन पर हमारा बीटा ग्रुप हो, तो हमारा कौन सा ग्लाइकोल होता है? गामा ग्लाइकोल होता है। इतना समझ आ गया? हम क्या करेंगे, पहले ग्लाइकोल के बारे में लिखेंगे कि हमारा ग्लाइकोल क्या होता है। डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है, जिसमें OH ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर जुड़े होते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, इसमें डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड के बारे में लिखेंगे। देखो इसमें ये क्या लिखा है हमने, ग्लाइकोल के बारे में इसमें हमने लिखा है, जो अभी आपको बताया था वही इसमें बताया गया है। आगे देखो, ग्लाइकोल्स आर डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। कैसे हैं? डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं जिसमें दो OH ग्रुप आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन एटम, जिसमें दो OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की पोजिशन पर
ग्लाइकोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू अल्फा बीटा गामा ग्लाइकोल्स की जो OH ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पर हमने ग्लाइकोल को क्या किया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? अल्फा बीटा गामा। किसके बेसिस पर? OH ग्रुप की पोजीशन पर। आगे देखिए इसमें, इफ बोथ OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट 1-2 पोजीशन। बेटा आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज है? पोजीशन ध्यान रखनी है बस। अगर 1-2 पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो क्या कहा जाता है? अल्फा ग्लाइकोल। जैसे हमारी ये पोजीशन दे दी, ये कौन सी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है? अल्फा ग्लाइकोल की पोजीशन रिप्रेजेंट करती है। कहां पर OH प्रेजेंट है? 1 और 2 पोजीशन पर। नेक्स्ट देखिए इसमें, इफ OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट 1-3 पोजीशन पर। अगर हमारे OH ग्रुप पहली और तीसरी पोजीशन पर हैं, तब हमारे ऐसे ग्लाइकोल को क्या कहा जाएगा? बीटा ग्लाइकोल। कौन सी पोजीशन? 1 और 3 पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए 1 पोजीशन पर OH ग्रुप आ रहा है और 3rd पोजीशन पर OH ग्रुप आ रहा है। ये किसका एग्जांपल हो गया? हमारे बीटा ग्लाइकोल का। इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं हमारे बीटा ग्लाइकोल में आते हैं। क्लियर है? देखो अब 3rd देखो इसमें, इफ OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट 1/4 पोजीशन। ये अभी आपको बताए थे 1-2 पर अल्फा होगा, 1-3 पर बीटा होगा और 1-4 पर गामा होगा। अगर 1/4 पोजीशन पर है तो क्या कहा जाएगा उसको? गामा ग्लाइकोल। कुछ इस तरह से 1 पोजीशन ये होगा, इधर से काउंट कर लो या इधर से काउंट कर लो, चलो इधर से करते हैं 1, 2, 3 और ये होगी पोजीशन 4। 1 और 4th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? हमारे OH ग्रुप है, तो कैसा कहा जाएगा इसको? गामा ग्लाइकोल इसको बोला जाएगा। वैसे तो हमारा जो इथाइलिन ग्लाइकोल या जिसको आप क्या बोल सकते हो, अल्फा ग्लाइकोल बोलते हो, वो ग्लाइकोल हमारा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो इसमें हम बाकी की सारी चीजें किसको लेकर पढ़ेंगे? इसमें हम हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल को लेकर पढ़ेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे हमारा ये दे दिया, इसको लेकर पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम्पल आप इसमें जोड़ सकते हो, जैसे कॉमा लगा के CH2 OH OH। अरे इधर ऐसे घुमा के रख लो या ऐसे रख लो, बात तो एक ही है, चेंज तो नहीं होगा कंपाउंड। चलिए इसका क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड है इसका लैब मेथड। लैब मेथड क्या होता है, कैसे बनाएंगे इस मेथड से? इस मेथड में यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है लैब में बनाया जा सकता है। कैसे बनाओगे लैब में? अरे कोई भी मेथड होता है लैब में ही तो करोगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन लैब में ही करोगे, कहीं ग्राउंड में तो करोगे नहीं इसको। तो लैब मेथड देखिए, इसमें रिएक्शन की जाती है इथाइलिन डायब्रोमाइड की। जब इथाइलिन डायब्रोमाइड की रिएक्शन हम Na2CO3 या K2CO3 इनके साथ, इनके एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, तब जाके हमारा ग्लाइकोल प्रिपेयर होता है। कैसे प्रिपेयर होगा? हम लिखेंगे इसमें रिएक्शन। अगर थ्योरी लिखनी है तो आप रिएक्शन को देखकर लिख सकते हो, आपको आती होगी। देखिए यहां पर कैसे करेंगे रिएक्शन, क्या बताया आपको? इथाइलिन डायब्रोमाइड यानी कि 2 BR ग्रुप। ये क्या है बेटा? इथाइलिन डायब्रोमाइड है। अगर हम क्या करें इसकी रिएक्शन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 या K2CO3। बेटा Na ले लो या फिर K ले लो, Na2CO3 सोडियम बाई सोडियम कार्बोनेट। किस क्या लेंगे इसका? एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर। क्या लेंगे? वाटर। अब इसमें हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है हमारा इसमें कि हमें क्या करने हैं, इसमें आयंस बनाने हैं। आयंस किस किस के बनाओगे? इसके बनाओगे और इसके बनाओगे। इसके आयंस कैसे बनेंगे, किस में ब्रेक होता है? ये हमारा Na2O में और CO2 में ब्रेक होता है ये हमारा। और H2O कैसे ब्रेक होता है? सबको पता है H में और OH में ब्रेक होता है। बन गए हमारे आयंस। अब क्या होगा इसमें, हमारा क्या होगा? अब देखो BR जो हैं, ये 2 BR जो हैं, ये चले जाएंगे सोडियम के साथ। किसके साथ चले जाएंगे? सोडियम के साथ। और क्या बना लेंगे यहाँ से? NaBr बना लेंगे। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। बचा क्या हमारा? एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, यानी कि 2 OH ग्रुप यहां से बचे हुए हैं। वे क्या कर लेंगे? Br की जगह पर चले जाएंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बनेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। और अलग क्या क्या निकलेगा हमारा? 2 NaBr।
और एक CO2, NaBr और एक CO2, इथाइलीन डायब्रोमाइड की रिएक्शन कराई है किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन Na2CO3 या K2CO3 भी ले सकते हैं, बट इसकी जगह पर K2CO3 इसके साथ कराना है, इसके साथ इनके एक्वस सॉल्यूशन, किसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराओगे अगर, तो यहां से हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल आपको मिल जाएगा। नोट करिए रिएक्शन को, फिर एक चीज और बताते हैं इसमें आपको। देखो अब इसमें आपके मन में एक सीधा सीधा सवाल ये आ रहा होगा कि हमने Na2CO3 क्यों लिया, हम एक रिएक्शन इससे भी तो कर सकते हैं, CH2Br, इथाइलीन डायब्रोमाइड ही लिया है हमने, CH2Br हमने क्या लिया, दो NaOH ले लिए, क्या ले लिए, दो मॉलिक्यूल ले लिए NaOH के, NaBr के साथ चला जाएगा, OH इसकी जगह जुड़ जाएगा, ऐसे क्यों नहीं किया हमने, ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है। इससे हमारा क्या बन सकता है, इससे हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल, तो यानी कि हमारा यहाँ से ग्लाइकोल तो बन सकता है, पर ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे जाके नहीं रुकेगी, कहाँ नहीं रुकेगी, इथाइलीन ग्लाइकोल पे जाके नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ेगी आगे, क्यों बढ़ेगी आगे इसमें, क्योंकि बेटा जब हम क्या करें, अगर हम NaOH या KOH का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, एक्वस सॉल्यूशन ले लें अगर हम इनका, तो यहाँ पर हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल जो बनेगा ना, तो वो उस रिएक्शन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों रिएक्शन हमारी क्या होने लगेंगी, एक साथ होने लगेंगी, जिस वजह से हमारी रिएक्शन ग्लाइकोल पर आकर नहीं रुकेगी। हमारी रिएक्शन कहाँ पर जाकर रुकेगी, हमारा एक नया कंपाउंड बनाएगा, वो क्या है, वो नया कंपाउंड है वो हमारा विनाइल हैलाइड। क्या है, विनाइल हैलाइड। फॉर्मूला पता है आपको विनाइल हैलाइड का, नहीं पता तो अभी बना देते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नोट डालकर इसको लिख सकते हैं, नोट डालकर ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल जो होता है, इथाइलीन डायब्रोमाइड जो होता है, वो हमारा ग्लाइकोल दे सकता है एक्वा सॉल्यूशन NaOH या KOH के साथ, पर ये इस रिएक्शन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों एक साथ होती है, इसी वजह से ये हमारा एक नया कंपाउंड भी देता है। नया कंपाउंड क्या है, विनाइल हैलाइड, इसी वजह से ये क्या करता है, विनाइल हैलाइड भी बनाता है। देखो अब कैसे बनेगा, हमने क्या लिया यहाँ पर, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, मान लिया हमने ये कि ये एक्वा सॉल्यूशन है, पानी घोल रखा है हमने इसमें, अब क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, बेटा सिंपल सी रिएक्शन होनी है, Na को रिप्लेस करेगा कौन, OH और Br को रिप्लेस करेगा OH, और NaBr के साथ जुड़ जाएगा CH2OH, और यहां से 2NaBr, रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी, रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी, बेटा एक्वा सॉल्यूशन मिलाया है ना, घोल कर मिलाया पानी में, तो कहीं ना कोई कंड रह गया होगा, किसका, NaOH का, तो ये आगे जाके ग्लाइकोल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्या NaOH रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, NaOH क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, NaOH कैसे रिएक्ट करेगा, बेटा ये हमारा इसमें ब्रोमाइड ही लिया है, ब्रोमाइड है, Br क्या दिया हुआ है, Br ब्रोमाइड है, इथाइलीन डायब्रोमाइड, कैसे होगा ये, इसमें हमारा देखो एक Na, देखो हमने पहले क्या लिया, दो मॉलिक्यूल लेके करे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल लेके कर रहे हैं, अगर देखो दो मॉलिक्यूल लेके कराएंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ग्लाइकोल बनेगा, लेकिन इसमें हमारी इस रिएक्शन में क्या होगा बताइए, एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, आप बताएंगे, बताइए इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बताइए। अब इसमें हमारा क्या होगा, एक सोडियम का मॉलिक्यूल Na के साथ चला जाएगा, Br के साथ चला जाएगा, और OH जो होगा एक Br पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऐसे कैसे जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ता इसमें, देखो यहां पर क्या होगा हमारी इस रिएक्शन में, पहले तो हम क्या करेंगे, Na और OH इनके क्या बना लिए हमने, मॉलिक्यूल्स बना लिए। अब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा एक Br टूटेगा, कैसे टूटेगा, यहां से एक Br जाएगा हमारा सोडियम के साथ, ये वाला भेज लो या फिर ये वाला भेज लो, कहां चला जाएगा, एक तो बनेगा यहां से हमारा NaBr,
NaBr निकल गया, यहाँ पर क्या बचा है हमारा CH2 बचा है, क्या बचा है CH2, लेकिन हमारी रिएक्शन करनी है कंप्लीट जो OH है। अब आप क्या करोगे, OH को यहाँ के जोड़ दोगे, यहाँ से विनाइल हैलाइड नहीं बनेगा, विनाइल हैलाइड वो नहीं होता है, विनाइल हैलाइड होता है हमारा बेटा ये CH2 डबल बॉन्ड CH हैलाइड, यहाँ पर Br ले Br आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है ब्रोमीन लिया है। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ और ये OH क्या हुआ बेटा, हमने यहाँ से एक H, एक H किसके साथ भेजा, OH के साथ भेजा, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। ऐसा क्यों हुआ है इसमें, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बेटा हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकाला है, मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है, कैसे निकला है, यहाँ पर आयंस बनते हैं, आयंस बनते हैं, आप सभी को पता है आयन कैसे बनते हैं, बॉन्ड्स किस तरह से ब्रेक होते हैं, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर आयंस बनाए हैं, बॉन्ड्स ब्रेक किए और इसी वजह से हमारा यहाँ से H निकला है OH के साथ में, और यहाँ से हमारा क्या बना है विनाइल हैलाइड बना है, यहाँ से क्या बना है विनाइल हैलाइड। तो ये है बेटा इसका पूरा लैब मेथड, क्या है ये पूरा इसका लैब मेथड है। तो यहाँ तक क्या करिए, आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर दूसरा मेथड बताते हैं। सेकेंड देखिए इसमें कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेथड, बहुत सारे इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे आप इथाइलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल बना सकते हो। जैसे फर्स्ट मेथड क्या दिया हुआ है, इथाइलीन से बना सकते हो आप इथाइलीन ग्लाइकोल। कैसे बनेगा ग्लाइकोल इससे, इसमें हम आप रिएक्शन कर सकते हो या तो फिर एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हो, क्या ले सकते हो एल्कलाइन KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट के साथ अगर आप किसकी रिएक्शन कराओगे, इथाइलीन की रिएक्शन कराओगे, तब आप इथाइलीन ग्लाइकोल बना सकते हो। कैसे बनेगा इससे, रिएक्शन देखते हैं चलिए, या एक चीज़ और बताती हूँ इसमें आपको, ये जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के टेस्ट के लिए भी की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि बेटा हमारा KMnO4 का कलर कौन सा होता है, पर्पल कलर होता है KMnO4 का। जो इसमें हमारा इस रिएक्शन के दौरान जो हमारा KMnO4 का पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, तो इसी वजह से असंतृप्त यौगिकों के परीक्षण के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। देखिए इसमें क्या रिएक्शन करेंगे, अब इसमें हम पहले करेंगे इथाइलीन ग्लाइकोल बनाना है हमें, इसमें किससे बनाएंगे, इथाइलीन से, किसके साथ बना सकते हैं एल्कलाइन KMnO4 के साथ। पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, या किससे बना सकते हो बेयर्स रिएजेंट के साथ, पहले हम ये रिएक्शन करेंगे। पहले मैं आपको टू स्टेप रिएक्शन बताऊंगी, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। देखिए इसमें KMnO4 लिया, क्या मिलाया इसमें KOH मिलाया, KOH के कितने मॉलिक्यूल मिला दिए मैंने, टू मॉलिक्यूल KOH के मिला दिए, टू मॉलिक्यूल KMnO4 के ले लिए, फॉर रिएक्शन बैलेंसिंग, सिर्फ रिएक्शन बैलेंस के लिए मॉलिक्यूल्स लिए हमने ये। खोलो इसको, कैसे खोलोगे, KOH KOH ध्यान से देखना, एक तो बन गया इसमें से वाटर, एक ओ बचा, अभी इसको क्या कर दो, इसे अलग छोड़ दो, ये जो दो के मॉलिक्यूल है ना ये हमारे चले जाएंगे इस वाले टू के मॉलिक्यूल के साथ, कौन से के चले किसके पास चले जाएंगे, के चला जाएगा के पास, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टू के ये और टू के ये, तो कितने हो जाएंगे फोर के को कैसे लिख सकते हैं हम, टू के टू एम एन ओ फोर, टू के टू एम एन ओ फोर, बचा क्या हमारा वॉटर, बचा क्या वाटर, और एक कौन बचा बेटा, एक बच निकलता है इसमें से हमारा नेसेंट ऑक्सीजन, जिसे क्या बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, ये निकलता है इसमें हमारा। अब ये एक स्टेप हुआ है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, हम ये बेटा कैसा बनता है, कलरलेस बनता है, अभी बताया आपको कि इसमें से जो हमारा कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे किसके साथ, इथाइलीन के साथ। इथाइलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलाएंगे इसमें H2O और ये वाला O, रिएक्शन करेंगे। कैसे होगी ये रिएक्शन बेटा, कैसे होगी, इसमें हमारा इस वाटर मॉलिक्यूल को खोल लेंगे, कैसे खुलेगा, H में और OH में खुलता है वाटर हमारा, H में और OH में। अब देखो एक OH तो है हमारे पास, एक OH हमने ये बना लिया, यहां पर जोड़ दिया, जुड़ेगा कैसे, कैसे जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, हमारे इसमें क्या बनेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा इसमें, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा इसमें, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से OH और यहाँ से OH, क्या बन गया यहाँ से इथाइलीन ग्लाइकोल। या फिर एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन कर सकते हो आप, क्या रिएक्शन कर सकते हो, सीधा इथाइलीन में ये मिला दो, ये KMnO4
KOH, KMnO4, KOH मॉलिक्यूल्स उतने ही लोग हैं जितने हमने फर्स्ट रिएक्शन में लिए हुए हैं, टू हैं बेटा, ये टू मॉलिक्यूल्स हैं इसके। कैसे होगी रिएक्शन, पहले तो एक हमारा ये निकाल दो, 2K2MnO4 निकाल दो जो होता है हमारा कलरलेस, 2K2MnO4 जो हमारा क्या बनता है कलरलेस, और दूसरा हमारा क्या बनेगा यहां से थाइलीन ग्लाइकोल, या क्या बनेगा यहां से ग्लाइकोल। कैसे बनाइए, यहां पर पहले हमारी रिएक्शन ऐसे ही होगी, यहां से इसी तरीके से वाटर और ऑक्सीजन बनेंगे और वो वाटर और ऑक्सीजन हमारे क्या होंगे यहां से इसके साथ चले जाएंगे। नोट करिए इस रिएक्शन को, सेकेंड इंडस्ट्रियल मेथड देखिए, इपॉक्साइड या जिसको आप क्या बोल सकते हो साइक्लिक ईथर, इससे भी आप इथाइलीन ग्लाइकोल बना सकते हो। कैसे बनेगा साइक्लिक ईथर, इपॉक्साइड क्या होता है अल्कोहल में, जब हमने किया था तब बताया था आपको, क्या किया था हमने अल्कोहल में, जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया था अल्कोहल। देखिए इसमें इसको रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं या फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलेगा वो हमें, कैसे मिलेगा बेटा, यहाँ से एक छोटी सी रिएक्शन होनी है, कौन सी रिएक्शन होनी है, आपको बस एक बॉन्ड ब्रेक करना है, क्या करना है एक बॉन्ड ब्रेक करना है, और वो ब्रेक होगा और यहां पर क्या बनेंगे आयंस बनेंगे, क्या बन रहे हैं बेटा यहां पर आयंस बन रहे हैं, आयंस जब यहां पर बन रहे हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला एच जाएगा इस ओएच के साथ और ये वाला ओएच जो होगा यहां पर आकर जुड़ जाएगा, क्लियर है, CH2 और दोनों पर कौन जुड़ेगा बेटा OH जुड़ेगा, बन गया ना इथाइलीन ग्लाइकोल बन गया ना, यहाँ से ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है आप सभी जानते हैं, ये बॉन्ड हमारा बेटा इधर को डिसोसिएट होगा, कहाँ डिसोसिएट होगा इधर को, इस पर क्या बनेगा पार्शियली माइनस बनेगा, इस पर क्या बनेगा पार्शियली प्लस बनेगा और तब जाकर ये आयंस जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट मैथड देखो इसमें थर्ड कौन सा मेथड है, इससे हम बना इसे बना सकते हैं, किसे इथाइलीन ग्लाइकोल को बना सकते हैं, किससे बनाओगे From इथाइलीन क्लोरोहाइड्रेन क्या होता है, ये होता है अभी बना रहे हैं, ये होता है एक Cl जुड़ा होता है एक OH जुड़ा होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको इथाइलीन क्लोरोहाइड्रेन को NaOH क्या NaOH या KOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं, क्या करते हैं जब हम इथाइलीन क्लोरोहाइड्रेन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ NaOH या KOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, या फिर आप क्या बोल सकते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं, तब यहां से हमारा इथाइलीन ग्लाइकोल बनता है। कैसे बनेगा हमने क्या बताया, एक्वा सॉल्यूशन लोगे किसका लोगे NaOH का ले लो एक्वा सॉल्यूशन, पता है क्या होगा ये Na इस Cl के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा Na जाएगा Cl के साथ और OH क्या कर देगा Cl को रिप्लेस कर देगा, यहां से क्या बन गया ये OH और ये हो गया OH, ये हो गया थर्ड मेथड। नेक्स्ट देखिए फोर्थ मेथड, पहले आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए फोर्थ मेथड सिंथेसिस मेथड, कैसे बनाओगे अब इसमें हमें क्या लेना है, ग्लाइकोल में क्या है इथाइलीन ग्लाइकोल में क्या है, कार्बन है हाइड्रोजन है, सबसे पहली बात किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए हमारे पास, सबसे पहले क्या करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन लाएंगे, कैसे लाओगे जब आप कोक पाउडर की रिएक्शन कराओगे किसके साथ हाइड्रोजन के साथ, कि किस टेम्परेचर पर बेटा ये रिएक्शन जो होती है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है, तब यहाँ से आपको क्या बनेगा C2H2 क्या होता है C2H2 बताइए क्या होता है, ये होता है हमारा C2H2, बताइए ये क्या है C2H2 एथीन होता है, ये क्या होता है एथीन,
अब इसका क्या कराएंगे, अब हमने इस कार्बन और हाइड्रोजन तो ले आए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसी स्टेज तक लेकर जाएंगे जहां से हमारा ग्लाइकोल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका रिडक्शन कर देंगे पीडी प्लस BaSO4 लेकर या किसी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर। हमने क्या लिया, PDBSO4 ले लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और एक बॉन्ड डिसअपियर हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से आप बना सकते हो इथाइलीन ग्लाइकोल या नहीं बना सकते, बहुत इजी हो गया है यहां से इथाइलीन ग्लाइकोल बनाना। इंडस्ट्रियल मेथड का पहला ही मेथड है, पहली ही रिएक्शन है, इसमें क्या करो KMnO4 मिला दो या फिर बेयर्स रिएजेंट मिला दो। थर्ड स्टेप क्या है इस रिएक्शन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 2KMnO4 प्लस 2KOH, क्या बनेगा यहां से, CH2OH और दूसरी चीज क्या बनेगी बेटा, यहां से बनेगा हमारा 2K2MnO4 जो होता है कलरलेस, रंगहीन, कलरलेस। नोट करिए इसको, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं यहां पर खत्म, इसके आगे करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इथाइलीन ग्लाइकोल जो होता है बेटा रंगहीन होता है, बिना कलर का होता है, कोई रंग नहीं होता इसका, ब्लू पिंक रेड ग्रीन वाइट ऑरेंज ये जो कलर होते हैं ऐसा कोई कलर नहीं होता इथाइलीन ग्लाइकोल का, ये कैसा होता है, रंगहीन या क्या बोल सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट या जैसा पानी होता है हमारा। और ये कैसा कंपाउंड होता है बेटा, ये बहुत ही विस्कस चिपचिपा कंपाउंड होता है, कैसा होता है, चिपचिपा कंपाउंड होता है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इथाइलीन ग्लाइकोल इज अ कलरलेस विस्कस कंपाउंड, इथाइलीन ग्लाइकोल इज अ कलरलेस विस्कस कंपाउंड। सेकेंड क्या हो जाएगा इसमें, it is soluble in water as well as in other polar solvents। समझ में आया क्या लिखा है ये, कि ये पानी में, पानी के साथ साथ दूसरे पॉलर सॉल्वेंट्स के साथ भी क्या हो जाता है, ये घुल जाता है सॉल्वेंट्स। थर्ड देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई 197 डिग्री सेंटीग्रेड, द बॉइलिंग पॉइंट इज 197 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, रह जाती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिएगा इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, इस आईडी पर मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है आपको, फिर उसके बाद सर्च करना है उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया और वहां से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू सो मच।